आईपीएल 2019 का मैच नंबर 14 जो कि राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाएगा 2 अप्रैल 2019 ट्यूसडे को। तो आज हम इस वीडियो में राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच होने वाले इस मैच की प्लेइंग 11 के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कौन से 11 खिलाड़ी खेलेंगे दोनों स्टेडियमों की तरफ से इस मैच में, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ये मैच कब और कहां और कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा और ये मैच कितने बजे से स्टार्ट होगा। और वहीं वीडियो के लास्ट में इसके मैच विन प्रेडिक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम जीतेगी यह मैच। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों अगर हम बात करें तो आईपीएल 2019 का मैच नंबर 14 जो कि राजस्थान रॉयल्स वर्सेज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाएगा 2 अप्रैल 2019 ट्यूसडे को, जो कि यह मैच जयपुर के स्वाई मान सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा और ये मैच रात को 8 बजे से स्टार्ट होगा यानी कि 8 PM से। तो गाइस अब चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। अगर हम बात करें सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की प्लेइंग 11 की, तो गाइस पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की परफॉर्मेंस बहुत ही शर्मनाक रही थी, ऐसे में कई बड़ी बड़ी चेंजेस होने वाली हैं इस मैच में, जो कि एज ओपनर के तौर पर नंबर 1 पर होंगे पार्थिव पटेल विकेट कीपर बल्लेबाज, जबकि नंबर 2 पर होंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के जबरदस्त कप्तान और बैट्समैन विराट कोहली, जबकि नंबर 3 पर होंगे एवी डिविलियर्स मिस्टर 360 जो कि ये भी कुछ खास नहीं कर पाए थे पिछले मैच में। तो इसके बाद नंबर 4 पर होंगे सैमुएल हिटमायर जो कि एक जबरदस्त T20 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन ये भी कुछ खास नहीं कर पाए थे, जो कि इनकी भी परफॉर्मेंस अभी तक काफ़ी ख़राब रही है और इस मैच में इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा अच्छा स्कोर करने का। तो वहीं इसके बाद नंबर 5 पर होंगे मार्कस स्टोनिस जो कि एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, फास्ट बॉलिंग के साथ और काफ़ी शानदार बल्लेबाजी भी करते हैं, ऐसे में मोइन अली की जगह पर इन्हें खिलाया जाएगा इस मैच में। जबकि नंबर 6 पर भी एक बड़ी चेंजेस देखने को मिलने वाली है, जो कि कॉलिन डी ग्रेडहोम की जगह पर नथन कल्टर नायल को मौका दिया जाएगा इस मैच में। तो वहीं इसके बाद नंबर 7 पर शिवम दुबे या फिर वाशिंगटन सुंदर, इन दोनों में से किसी एक को खिलाया जाएगा इस मैच में। जबकि नंबर 8 पर होंगे प्रयास बर्मन, तो वहीं इसके बाद नंबर 9 पर होंगे जितेंद्र चहल, जबकि नंबर 10 पर होंगे उमेश यादव, वहीं इसके बाद नंबर 11 पर होंगे मोहम्मद सिराज। दोस्तों ये रही आरसीबी की प्लेइंग 11। अब अगर हम बात करें राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को हमेशा की तरह स्पॉन्सर किया है नोस्ट्रा प्रो ऐप ने, जो कि कमाल का ऐप है पावर्ड बाई पेटीएम। आप सभी लोग बड़े आसानी से पैसे कमा सकते हैं कुछ इजी और सिंपल क्वेश्चन के जवाब देकर, जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी यह मैच और कौन सी टीम हारेगी यह मैच और कौन सी टीम कितना ज़्यादा रन स्कोर करेगी। वहीं इस ऐप की खास बात यह है कि जो भी पैसे आप जीतेंगे 2 या 3 घंटे के अंदर अपने पेटीएम या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, डाउनलोड करते ही आपको ऑलरेडी 100 रुपये बोनस में मिल जाएंगे। अब दोस्तों अगर हम बात करें राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 की, तो एज ओपनर के तौर पर नंबर 1 पर होंगे अजिंक्य रहाणे राजस्थान रॉयल्स के कप्तान, तो वहीं इसके बाद नंबर 2 पर होंगे जॉश बटलर जो कि एक जबरदस्त विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और काफ़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं इस टाइम पर, जबकि नंबर 3 पर होंगे सैंजू सैमसन, वहीं इसके बाद नंबर 4 पर होंगे स्टीव स्मिथ, जबकि नंबर 5 पर होंगे बेन स्टोक, वहीं इसके बाद नंबर 6 पर होंगे राहुल त्रिपाठी। अगर बात की जाए नंबर 7 की, तो नंबर 7 पर होंगे कृष्णप्पा गौतम जो कि स्पिन बॉलिंग के साथ साथ ये भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो इसके बाद नंबर 8 पर होंगे श्रेयस गोपाल, जबकि नंबर 9 पर होंगे जयदेव नाडकर, वहीं इसके बाद नंबर 10 पर होंगे जोफरा आर्चर और उसके बाद नंबर 11 पर होंगे धवल कुलकर्णी। दोस्तों ये रही राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11, जो कि ये दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 है। अब अगर हम इसके मैच विन प्रेडिक्शन के बारे में बात करें कि कौन सी टीम जीत सकती है यह मैच, तो इस मैच का प्रेडिक्शन जाता है आरसीबी की टीम को, यानी कि ये मैच आरसीबी की टीम जीत सकती है। हालांकि ये मैच राजस्थान रॉयल्स के होम ग्राउंड में खेला जाएगा, जहां राजस्थान रॉयल्स की टीम काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है।